येस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज ए मैं एंड वेलकम टू लेट्स लर्न सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत्या वट आर यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे ई वी एस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज नॉट साइंसिस ठीक है ना एक नंबर का क्वेश्चन है कि ये प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन होता है ना कि पर्यावरण विज्ञान ठीक तो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि पेडोगोलॉजी अगर हम देखें पंद्रह नंबर का जो एन वाला पार्ट है उसमें दो चार क्वेश्चन नए भी आते हैं एन भी आता है और कभी कभार ऐसा होता है कि एन कम आता है लेकिन पेडागोजी बिल्कुल एज इट इज़ पंद्रह नंबर की वही उन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा करके पूछी जाती रहती है ये मान लीजिए आपके पुराने क्वेश्चंस को जैसे रेप्लीकेट किया जा रहा हो हर बार पेडागॉजिकल क्वेश्चन तो ई में सेम ही हैं तो स्टार्ट करते हैं कहानी समझते हैं कुछ चीज़ें और आज साल का आखिरी दिन है अब हम मिलेंगे अगले साल ये बहुत ही पुराना और क्या कहेंगे ओकरा सा जोक है मतलब बहुत ही आ, क्या कहें ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा है ना हर इकतीस दिसंबर को दिसंबर को हम एक दूसरे को ये कहते रहेंगे चलो दोस्त अब अगले साल मिलेंगे है ना क्योंकि कल न्यू ईयर है तो स्टार्ट करते हैं कल जहाँ तक है ऑफ़ रहेगा आपका और नहीं होगा तो पता लग ही जाएगा आपको वैसे छुट्टी ही होगी जहाँ तक कल आज हम मिल रहे हैं वैसे संडे है संडे वार्ता करेंगे अभी नेक्स्ट वीक वीक से क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ईवीएस के लिए ठीक है ना तो जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मॉक टेस्ट की तरह आप इसको ले सकते हैं हालांकि हर एक क्वेश्चन का एक छोटा एनालिसिस जरूर करते चलेंगे मॉक टेस्ट है ठीक है लेकिन प्रॉपर एनालिसिस भी जरूरी है टुडे इज माई बर्थडे कोई कह रहा है भाई हैप्पी बर्थडे ठीक है ना स्टार्ट करते हैं कहानी थर्टी क्वेश्चन का सेट रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे उसके अलावा कॉमेंट्स अपने विचार भी बता देंगे टेलीग्राम पर आपको ये पी मिल जाएगा एक दो पी मुझे लग रहा है पेंडिंग है बट ये मिल जाएंगे आपको पी ठीक है ना नए साल में मैराथन सेशन करेंगे इस बार पिछले दो बार से आई थिंक मैराथन सेशन हुए नहीं है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा फटाफट से एकदम पेपर वाला माहौल बना करके है ना रंग उड़ा दिए हमने बोर्ड से जैसा कि हम पहले पेपर डिस्कस किया करते थे तो बताइए फटाफट से रमा गोज टू या रमा एक बच्ची है जो गोज टू गोज टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स टुवॉर्ड्स नॉर्थ यानी रमा एक बच्ची है जो ढाई किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ चलती है ये क्वेश्चन एकदम हर बार फिक्सड है कुछ तो जैसे दिशा का क्वेश्चन हो गया है ना यानी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया आपका इस टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया इसके अलावा आपका मैप का क्वेश्चन हो गया तो चार पांच क्वेश्चन तो फिक्सड ही रहते हैं हर बार ईवीएस में चाहे कुछ भी हो है ना आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस भाई तो अगर हम बात करें रमा अपने घर से ढाई किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है यानी नॉर्थ की ओर आप जहां भी होते हैं वहां से अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं इसका मतलब आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ ठीक है इतना हमें पता है भाई ये चार दिशाएं हैं मुख्य रूप से नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण ईस्ट यानी पूर्व और पश्चिम अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये बेसिक सी बातें हैं जो हम कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है तो अब देखते हैं कहानी क्या है तो रमा ढाई किलोमीटर गई नॉर्थ की तरफ फ्रॉम हर हाउस नाउ टर्निंग टू दी लेफ्ट शी गोज फाइव किलोमीटर अब वो लेफ्ट में टर्न लिया इसको यहां पे सॉल्व करेंगे आप लोग अलग अलग लोग सिर्फ चालीस परसेंट लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे काम बन जाएगा है ना तो रमा एक बच्ची है ठीक घर कहीं भी मान लो आप पॉइंट और यहां से वो नॉर्थ गई कितना ढाई किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में ठीक है और जब वो उत्तर दिशा में ढाई किलोमीटर जाती है उसके बाद वो लेफ्ट लेती है और पांच किलोमीटर और चलती है तो राइट इधर है लेफ्ट इधर हो जाएगा भाई यहां से लेफ्ट किलोमीटर और चलेंगी फाइव किलोमीटर चली लेफ्ट में अपने यानी वेस्ट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड गोज टू पॉइंट फाइव किलोमीटर यानी दोबारा से लेफ्ट टर्न लेती है और ढाई किलोमीटर जाती है लेफ्ट टर्न का मतलब राइट तो ऊपर हो जाएगा लेफ्ट नीचे की तरफ और कितना सिर्फ ढाई किलोमीटर जितना इधर गई थी है ना ढाई किलोमीटर ठीक? अब पूछा क्या है है, ये देखना देखिए लास्ट में पूछा जो होता है सारा क्वेश्चन उस पर बेस होगा आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट वाला नहीं समझा के पूछा क्या था तो नंबर चला जाएगा वह अपने घर से कितनी दूरी में दूरी पर है और किस दिशा में है घर से दिशा पूछी है घर कहां है जहां से शुरुआत की थी ये पॉइंट ए मान लीजिए आप इसको ठीक है अब जहां पहुंच चुकी है यानी जेड पॉइंट मान लीजिए जो पूरी पूरा गोल था वो अचीव कर लिया अब घर से पूछा है इस जगह से पूछा होता तो अलग हो जाता घर से पूछा है कि कितनी दूर है और किस दिशा में है तो दिशा तो आपको पता ही है ये वेस्ट दिशा है और दूर कितनी है तो ये पांच किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस जो बीच में आ रहा है तो सिंपल पांच किलोमीटर वेस्ट फाइव किलोमीटर टुवर्ड्स दी वेस्ट तो पश्चिम में है पांच किलोमीटर ठीक नॉर्थ नीचे साउथ इधर ईस्ट और वेस्ट ठीक तो भाई ये वेस्ट की तरफ है और पांच किलोमीटर क्योंकि ये किलोमीटर का डिस्टेंस था सिंपल जवाब तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर पांच किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर हाउस अपने घर से पांच किलोमीटर है और अगर जिस जगह वो पहुंची है वहां से घर पूछ लेता तो ये हो जाता पांच किलोमीटर ईस्ट ठीक है तो ये एक बेसिक बात हो गई एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैली ऑफ फ्लावर्स ये बताने कई सेट्स में जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ऑफलाइन में भी शायद एक आध बार पूछा है कई बार पूछा जा चुका है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और ये हमने एनसीआरटी में भी पढ़ा है आपसे आपको एक और चीज रिकमेंडेड है कि आप जो एनसीआरटी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ईवीएस की या ईवीएस का वन शॉट भी बनाया हुआ है वो सब देख लीजिए उसमें पैडोलॉजी भी कवर्ड है उसमें आपकी एनसीआरटी भी कवर्ड है प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए उससे बाहर चीजें नहीं होती बहुत एक दो क्वेश्चन रेयर होते हैं ना एट्टी सेवन परसेंट लोग सही उत्तर दे रहे हैं इसमें कि वैली ऑफ फ्लावर्स इसमें मैं बहुत बार एग्जाम्पल भी देती हूँ वो कौन सी हमारी अधूरी कहानी है ना कौन विद्या बालन और इमरान हाशमी है ना वो बम से उड़ जाते हैं जहां पे वो वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा ही दिखाया हुआ है उन्होंने या वही है बेसिकली ऐसा हम मान सकते हैं उत्तराखंड में जाते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये नेशनल पार्क है नाइनटीन में एस्टेब्लिश हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो और ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के ठीक है जी चमोली डिस्ट्रिक्ट वैली ऑफ फ्लावर्स ठीक है इतनी बात क्लियर है हाँ सबको याद है देखो मूवी के एग्जाम्पल से तुरंत याद आ जाता है एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य है ना तो बताइए कौन से कौन से होंगे उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य एक बार मैप में देख लेते हैं मैप तो आप बार बार जितना रिवाइज करके जाएंगे उतना अच्छा है है ना उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य भाई अट्ठाईस राज्य हैं आठ यूनियन टेरिटरीज हैं ठीक तो अगर हम देखें उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य है तो यहां हम देख पाएंगे के एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश बात ठीक है उत्तर प्रदेश फिर नेपाल को तो हम काउंट नहीं कर रहे ना राज्य नहीं है वो इधर हिमाचल प्रदेश है ना तो हम कहेंगे यूपी एच ठीक इधर आपका हरियाणा है ना एच ठीक इतनी बात क्लियर है तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम बता दें अलग अलग स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं है ना फिर जम्मू एंड कश्मीर ऊपर हो जाएगा चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ये पी में मिल भी जाएगा इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और ये भी हमें पता होना चाहिए इस पर भी क्वेश्चन बनता है ए आई बी से मैंने आपको याद कराया हुआ है ए आई बी क्या है कि भारत के ए आई बी अगर हम देखेंगे है ना ये कई बार पूछ लेता है भाई मेरी वो मैप वाली स्किल्स को थोड़ा अवॉइड करना ए मतलब चित्रकारी को ए आए और बी यानी भारत के जो ये वेस्टर्न पार्ट है इधर है अरेबियन सी अरब सागर जिसको हम कह रहे हैं वेस्ट में पश्चिम में आए यानी साउथ में साउथ में क्या है इंडियन ओशियन ठीक है ना साउथ में और जिसमें हम कहते हैं कि भाई लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट एंड ऑल फिर इधर आता है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी ये कहाँ है ईस्ट में है और वो जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं आपके ईस्टर्न स्टेट्स वो हैं ठीक तो ए आई बी अगर हम देखें आ, अपने आ, भारत के मैप को तो व, अगर हम वेस्ट में देखें तो अरब सागर है नीचे साउथ में देखें तो इंडियन ओशियन है और ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है है ना पानी पानी है चारों तरफ तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि अरेबियन सी नीचे इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में ठीक इसको उल्टा पुलटा नहीं कर देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा एक बार और समझते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है ये देख लो एक बार पढ़ो फटाफट से आई एम आई स्मॉल एंड स्किनी चैप समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम्स आई एम ब्लैक एडिड टू हॉट ऑयल एंड घी आई स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड मी वेन आई एम रोस्टेड कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी थिंक एंड टेल मी हु एम आई बताइए एक बार आइडेंटिफाई द स्पाइस एक मसाला है जो कहता है एक पहेली दी हुई है किसी मसाले के बारे में आपको वो मसाले को पहचानना है कि क्या है ये पहली पूरा मैं पतला सा पर छोटा हूं भूरा भी हूं और काला भी हूं गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूं बस इतने से तो आप समझ गए होंगे कि देखो हल्दी को तो दही और उसमें जलजीरे में कोई भून के नहीं डालता ना ठीक है ना और व्हाइट एंड ब्लैक भी नहीं होती ब्राउन एंड ब्लैक भी नहीं होती हल्दी की अगर हम बात करें है ना दालचीनी की बात करें तो भी नहीं जा रहा ये तो आपको जैसे कहा गया था ऑयल एंड घी में अगर आप इसको बॉइल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं साथ में दही और जलजीरे में डालने की बात तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि ना तो ये लॉन्ग हो सकती है ना ये दालचीनी यानी सिनेमन हो सकता है ये क्यूमिन सीड्स है यानी जीरा है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने एनसीआर पढ़ी भी है तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा तो ये है आपके जीरा राइस बना दो भाई इनको यूज करके है ना इसको हम जीरा या क्यूमिन कह रहे हैं क्यूमिन सीड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर विच इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सी जो हम कहते हैं भाई सी क्या है कंप्रेस नेचुरल गैस तो इसका मुख्य संगठक क्या है बिल्कुल 62% लोग सही जवाब दे रहे हैं मीथेन इज द राइट आंसर CH4 कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो है ना तो इसका जो फॉर्मूला है मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन मुख्य घटक है किसका सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अगर पूछा जाए एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं वो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के बना होता है अगर एलपीजी पूछा होता तो उसमें मेजर कॉम्पोनेट जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है ठीक है इथेन जो है आपका फॉसिल फ्यूल्स कोल के अलग अलग फॉर्मेशन में मिलती है तो मीथेन इज द राइट वर्ड यहाँ आगे बढ़ेंगे ये सीएन वही है जो ऑटो गाड़ियों में भरवा करके लोग घूमते हैं है ना मेरा एक दोस्त है अभी तो हैदराबाद पोस्टेड है तो मेरे को जब भी मैं सीएनजी पढ़ती हूँ तो याद आ जाता है वो कह रहा था कि एक काम कर अपनी ऑडी में ना सीएनजी लगवा ले यार तू और फिर लिखी ऐसे बड़ा बड़ा ओनली वन इन, इन इंडिया है ना <laughs> और मैंने कहा लाइन में भी लगा करूँगी फिर जा करके है ना और लोग मुझे ऐसे लुक्स देख जाया करेंगे है ना वो जाकिर खान का वो है ना कि बहुत गरीब की नजरों से देख के जाया करेंगे मेरे को तो खैर ये तो हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं दोस्तों के बीच देखिएगा लेकिन ये सीएनजी पढ़ती हूँ तो मेरे को वही याद आता है है ना कम्प्रेस नेचुरल गैस क्या है इसमें मीथेन की मात्रा है जो सर्वाधिक मेन कॉम्पोनेंट जो है वो मीथेन है ठीक चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट बोर्डेड आ ट्रेन ऑन ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी एक स्टूडेंट है <laughs> कोई कह रहा है इथेन इथेन दोनों सी एन जी में होता है आप मेन घटक पूछ रहे हैं ना हमसे ऐसे तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेन घटक जो मेनली इथेन का अगर यूज है तो वो उस तरफ हम बात कर रहे थे फॉसिल फ्यूल मैम मेरे में पोल दिखता है कोई बात नहीं चलो जवाब दो फटाफट से अब इसी बात पे क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट बोर्डेड अ ट्रेन ऑन ट्वेंटी नाइन से दो हजार बाईस को एक बच्चे ने या एक छात्र ने बेसिकली पेपर देने जाना होगा आपकी तरह सीट एट का और उनतीस सितंबर दो हजार बाईस को क्या किया एक ट्रेन बोर्ड की विच स्टार्टेड फ्रॉम गांधी धाम गांधीधाम रेलवे स्टेशन एट ट्वेल्व थर्टी आवर्स मतलब क्या हुआ एंड रीच्ड थ्रू अनंतपुरम रेलवे स्टेशन ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट सेवन आवर्स ठीक है जी बात सही है नहीं है फिर अगर हम बढ़ते हैं इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स किलोमीटर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली बहुत पूछा जाता है ये आपको क्या दे दिया डिस्टेंस दे दिया गया आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है एवरेज स्पीड तो एस डी टी मैं इसको बोलती हूँ एस डी टी यानी जो आपका स्पीड बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है वो डिस्टेंस डिस्टेंस है हमारा बाईस किलोमीटर और समय जो है वो हमें निकालना है कि तीस उनतीस सितंबर की रात को साढ़े बारह बजे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हुई है और तीस सितंबर को हो जाएंगे चौबीस घंटे फिर एक का अगर हम लगाएंगे हिसाब किताब और एक की सुबह सात बजे पहुंचेगी तो आई थिंक बयालीस साढ़े बयालीस घंटे के आसपास का निकल करके आएगा और उन साढ़े घंटों को अगर हम कर देंगे डिवाइड तो आंसर आएगा चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ें भाई। आगे बढ़े बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत ही बढ़िया चलिए फटाफट से देखेंगे और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इसको मॉक टेस्ट की तरह ही लेकर के चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स यानी आपका घर है जो एक लोकेशन uh, है एक्स वहां पे लोकेटेड है योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई यानी घर है एक्स पॉइंट पर और वाई है आपका स्कूल एंड देर इज नो स्ट्रेट रोड बिटवीन एक्स एंड वाई यानी कि कोई स्ट्रेट रोड नहीं है एक्स एंड वाई के बीच में सो इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल यू फर्स्ट गो टू ए अब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते लेकिन ऑपोजिट हैं दोनों है ना तो अब आपको पता है कि पहले आप कहां जाएंगे ए पॉइंट पे जाएंगे विच इज 60 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स यानी आपको क्या करना है यहां पे यू फर्स्ट गो टू आपका घर है लोकेटेड एक्स पे घर कहां लोकेटेड है एक्स पे और स्कूल है वाई पे ठीक है यानी बच्चा जो है वो आभ, अभी स्कूल एक मिनट रुकना यार पे होम होगा हां और वाई पे स्कूल एक्स और वाई दो पॉइंट हैं एक्स पर होम होगा यानी घर है बच्चे का और स्कूल है वाई पॉइंट पर अब ये बच्चा जाता है और पहले क्या करता है ए पॉइंट की तरफ जाएगा और ए पॉइंट किधर है नॉर्थ ऑफ एक्स में यानी जहां से भी आप मान लेंगे वहां से एक्स हो जाएगा और इसका नॉर्थ सिक्सटी मीटर गया बच्चा ये आया ए पॉइंट पे ठीक है बात ए पॉइंट आ गया उसके बाद देन गो टू बी पॉइंट विच इज ट्वेंटी फाइव मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए अब ईस्ट कौन सा होगा ए का ईस्ट यही होगा ना ट्वेंटी फाइव मीटर ए में चला गया यह बी पॉइंट आ गया ठीक है जी ट्वेंटी फाइव मीटर क्लियर है बात देन गो टू सी विच इज हंड्रेड मीटर सी पे जाएगा आप बी से जो कि हंड्रेड मीटर नॉर्थ ऑफ बी है नॉर्थ ऑफ बी क्या होगा ये है हंड्रेड मीटर नॉर्थ ऑफ बी है ना हंड्रेड मीटर और सी पॉइंट आ गया ठीक है बात ये आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा नॉर्थ ऑफ बी एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल विच इज ट्वेंटी फाइव मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी अब वेस्ट ऑफ सी है वेस्ट ऑफ सी मतलब पश्चिम में है सी के कितने 25 मीटर तो बस यही 25 मीटर का तो डिस्टेंस था जो नीचे भी कवर किया था इतना ही 25 मीटर आपको वेस्ट में जाना है अब ये क्या स्कूल आ गया ना हाँ स्कूल आ गया आपका सिंपल यानी y पॉइंट पे आप पहुंच गए अब पूछा क्या है ये जानना जरूरी है पूछा है हमसे विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस स्कूल की लोकेशन से घर की लोकेशन पूछी है ऐसा नहीं पूछा घर से स्कूल नहीं पूछा जैसे पहले स्कूल में पहले वाले, वाले क्वेश्चन में था है ना तो स्कूल की लोकेशन से घर की दिशा पूछी है सिंपल क्या हो सकती है भाई घर की दिशा है स्कूल की लोकेशन से घर तो ये था एक्स ये एक्स है ना और वाई यहां पे है सिंपल आपसे पूछी है क्या घर की दिशा बस ये ट्वेंटी फाइव मीटर बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो है ना ये हम कह रहे हैं वाई है अब यहां से घर की दिशा किधर होगी बिल्कुल साउथ में होगी और साउथ में कितनी दूर होगी ये सौ मीटर की दूरी पर होगी बात ठीक है या नहीं है देखो एक बार क्वेश्चन ने क्या पूछा ये देख लेते हैं तो आंसर क्या होगा देख लो एक बार सी ऑप्शन क्योंकि इधर उधर जाना ही नहीं है ना ना तो इसको इधर वेस्ट की तरफ मुड़ना हुआ ना घर के लिए ईस्ट की तरफ मुड़ना हुआ एग्जैक्ट साउथ में है नीचे की तरफ दूरी तो हमसे पूछी नहीं है नहीं तो ये सौ मीटर ये लगा लेते हैं हम और साठ मीटर ये लगा लेते हैं एक हो जाती ठीक है ना तो हमें पता है कि ये सीधा नीचे की तरफ जाना है यानी दक्षिण की तरफ जाना है साउथ की तरफ जाना है तो आंसर क्या हो जाएगा ड्यू साउथ ड्यू साउथ इतनी बात क्लियर है बी ऑप्शन राइट आंसर, यानी दक्षिण दक्षिण ठीक दिशा में होगा जो घर है स्कूल से स्कूल से पूछा है हैविंग एक्सेलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी थिंग्स डिस्टेंस फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन ये क्वेश्चन नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है एनसीआरटी का सिंपल क्वेश्चन है क्या होगा भाई ये इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी वह जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में यानी मनुष्यों की तुलना में चा, चार गुना बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से देख सकता है है ना टाइम्स बेटर देन अस ह्यूमंस तो आप याद कर लीजिए आउल की बात हो रही है नहीं आईसाइट के लिए आउल को थोड़ी जानते हैं हम काइट एंड वल्चर बिल्कुल सही जवाब है एनसीआर में भी गिवन है चील और गिद्ध हम कहते हैं भाई गिद्ध के जैसी एकदम नजर है किसी व्यक्ति की है ना काइट एंड वल्चर काइट भी आपने देखी होगी दूर से ही उड़ते हुए चील किसी को भी ले जाती है उठा करके किसी मतलब इंसान को नहीं जो भी जीव जो उसका शिकार है तो मूवीज में देखा होगा है है ना सांप को ले जाते काइट एंड वल्चर गिद्ध ठीक ना उनकी भी नजर जो है बहुत तेज होती है आई थिंक वो वल्चर ही थे ना भाई डोंट कोट मी ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के जो हम रामायण में देखते हैं क्या नाम था उनका जटायु जटाय। रहने दो तुम एक नंबर कटेगा है ना हाँ तो वो जटायु वाला जो हम पूरा किस्सा सुनते हैं तो हम कह सकते हैं भाई उनकी नजर बहुत स्ट्रांग थी उन्होंने उड़ते हुए देख लिया रावण को ठीक और वो सारी चीजें तो काइट एंड वल्चर ये हम याद रखेंगे कि इनकी जो आईसाइट है हमसे चार गुना बेहतर होती है इंडियन रॉबिन एंड ईगल बारबेट नहीं ये सब कोई काम का नहीं है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा एक बार सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ of diseases स्प्रेड बाय by mosquitoes. इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी आपको चुननी है पहला ऑप्शन है मलेरिया एंड डेंगी या डेंगू हाँ ब्लू सही बात है मलेरिया एंड डेंगू आपका जो है मलेरिया की अगर हम बात करें तो फीमेल एनोफिलिस और अगर हम बात करें कॉलरा एंड चिकनगुनिया की तो ये जो कॉलरा है बेसिकली हैजा वो गंदे पानी या बाकी रीजन से फैलता है चिकनगुनिया तो चलो मच्छर से ही फैलेगा अगेन ये हैजा यहाँ नहीं आएगा मलेरिया तो ठीक था चिकनगुनिया ठीक था लेकिन टाइफाइड जो है मच्छर से नहीं होता इन्फेक्शन है एक तरह का तो मलेरिया एंड डेंगू जो है यहाँ सही आंसर है कि मच्छर से फैलने वाले रोग हैं और जो मलेरिया के लिए सिंकोना ट्री सिंकोना ट्री की जो बार्क है उसको पाउडर में या उसकी टेबलेट्स भी दी जाती हैं ये भी एनसीईआरटी में गिवन है और वहीं से क्वेश्चन कई बार आ चुका है आ सकता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा एक बार ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन द मैप ऑफ अ सिटी फॉलोइंग स्केल इज मैंशन एट इट्स राइट बॉटम आजकल क्वेश्चन बहुत आने लगा है और ये जो गोलकोंडा फोर्ट वाली कहानी है उसके कॉन्टेक्स में भी एक बार आ चुका है कि अगर हम बात करें स्केल वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू नाइन फिफ्टी मीटर जैसे आपका जो मैप होता है नक्शा होता है किसी भी शहर का या किसी भी जगह का तो वहां पे स्केल बना होता है कि भाई यहां से ऐसे ये डायरेक्शन है ये है तो अब हम पूरा एक किलोमीटर थोड़ी दिखाएंगे नक्शे पे तो वहां क्या होता है एक सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है नौ मीटर यानी जहां एक सेंटीमीटर की बात हो रही है नक्शे पे इसका मतलब एक्चुअल में क्या है स्केल पर वन सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है ना जबकि क्लियर है बात इफ ऑन दिस मैप द मेजर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज 19.2 सेंटीमीटर यानी इस मैप पर अगर हम देखें जो मेजर डिस्टेंस है जो मापी हुई दूरी है वो है उन्नीस दशमलव दशमलव दो सेंटीमीटर की तो so, 19.2 सेंटीमीटर की एक्चुअल दूरी है कोई ठीक है मैप पर क्लियर है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेज इज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो जगह मैप पे 19.2 सेंटीमीटर दिखाई गई है वो actual में कितनी होगी? तो आपको पता है एक सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर तो आपको ये देख लेना 19.2 सेंटीमीटर में आप 950 मीटर से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और निकल करके आ जाएगा कुछ तो आपका कितना आई थिंक 18,000 समथिंग मीटर आ जाएगा और आपको पता है अट्ठारह हजार मीटर और यहाँ पे ऑप्शन मीटर में नहीं है किलोमीटर में है तो आपको पता है एक किलोमीटर में हजार मीटर होंगे और समथिंग तो आप उसको हजार से डिवाइड कर देंगे और अट्ठारह हजार को जब आप हजार से करेंगे डिवाइड तो अट्ठारह किलोमीटर आ जाएगा सही उत्तर तो ये आसानी है बस थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन लगाना है बाकी कोई खास ऐसी बड़ी चीज इसमें नहीं है तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर बी नहीं होगा भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टेन ये कहता है आप विजिटर गिव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ रूरल एरियाज ऑफ अ स्टेट किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए आ, विवसर के दिए गए विवरण के अनुसार आपको पहचानना है कि कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है एनसीआरटी में इस तरह की बहुत सारी बातें हैं घरों पे इन दिस एरिया रेनफॉल रेनफॉल इज वेरी स्कॉस वेदर इज जनरली हॉट एंड पीपल लिव इन मड हाउसेस यानी वेदर क्या है बहुत गर्म रहता है रेनफॉल यानी वर्षा जो है बहुत कम होती है दुर्लभ है स्कार्स है ठीक है ना इससे ही आप समझ जाते हैं कि राजस्थान के बारे में बात हो रही होगी द द वॉल्स ऑफ आर आर मेड थिक एंड प्लास्टर्ड विद यानी मिट्टी से ही जो है मोटी दीवारें बनी गई हैं मिट्टी से और उनको लीवा पोता भी मिट्टी से ही जाता है द रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस बस काम खत्म हो गया थॉर्नी बुशेस जैसे आ गया कंटीली झाड़िया समझ जाओ कहानी क्या है राजस्थान की बात हो रही है अगर जमीन से तीन साढ़े तीन मीटर की ऊंचाई पे बनने की बात होती बैंबू पे तो असम की बात हो जाती ठंड की या उस तरह के स्लोप वाले मकान की बात होती मनाली की बात हो जाती या फिर उधर और नॉर्थ में बात हो जाती लद्दाख वगैरह की तो थॉर्नी बुशेस राजस्थान की बात हो रही है कि पानी की कमी है गर्मी पड़ती है है ना और छत पे जो है छत को कवर किया जाता है थॉर्नी बुशेस से कंटीली झाड़ियों से क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से चार चिनारी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड इज लोकेटेड इन यानी चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है अब पर्वतों से घिरा है समझ जाइए है ना ये पहले चार मीनार है क्या है वो हैदराबाद में जो काफी फेमस है पहली बार में पढ़ के ऐसा ही लगता है मुझे भी ऐसा ही लगा था है ना कि ये शायद हैदराबाद की बात हो रही होगी और इसलिए सबसे पहले ऑप्शन में इन्होंने हैदराबाद ही दे दिया लेकिन जैसे इन्होंने माउंटेन्स की बात की है ना तो फिर और टूरिस्ट प्लेस है ये सब तो चलो वहां पर भी लागू हो जाएगा फोर्टी लोग डी ऑप्शन जो कि सही भी है मैंने ऑप्शन में दे भी दिया है यहाँ आपको श्रीनगर इज दी राइट आंसर यानी डल लेक के डल लेक में है ये प्लेस चार चिनारी या चार चिनार भी कह देते हैं ये चिनार इसका नाम है इन पेड़ों की वजह से कि चिनार के पेड़ यहाँ पे होते हैं ये आइलैंड है अपने आप में बेसिकली डल लेक में जो है एक जगह है चार चिनारी जाएंगे कभी अभी तक तो, तो नहीं हुआ जाना तो श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर चलते हैं अब तो खैर वहां पर भी बाइफर्केशन है हम तो हम जम्मू और को अलग अलग बांटने वाली बात है क्वेश्चन नंबर ट्वेल पे आइए सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एन एनिमल हुज सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास यानी निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से भाई आपको पता है अगर हियरिंग पावर की बात करें और और हियरिंग पावर में भी जब ये बता दे कि रसलिंग ऑफ लीव्स पत्तों की खड़खड़ाहट और एक एनिमल के चलने की आवाज है इन दोनों में अंतर पता कर सकता है यानी पत्तों की आवाज है या फिर कोई एनिमल चल के आ रहा है इतना शार्प सेंस ऑफ हियरिंग है हमसे बहुत बेहतर सेंस ऑफ हियरिंग है तो ये टाइगर है है ना टाइगर टाइगर के बारे में पूरी कहानियां हैं एनसीआरटी में अगेन प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा ईवीएस की प्लेलिस्ट में पूरी पूरी कहानियां दी हुई है मैंने YouTube पे आपको मिल जाएगी। Question number 13 देखेगा, या फिर free notes पढ़ लीजिएगा काम बन जाएगा। यानी यानी कौन सा जोड़ा सही है? Wheat, एक tap root है, है। एक मूसला जड़ जिसको हम मक्का कहते हैं, वो कैरेट यानी रूट है मूसला जड़ है या बैंबू रूट है बताइएगा रूट बेसिकली नीचे जमीन में जाती है सीधे और बाद में जाकर के और सारी कई सारी जड़ें उनमें से निकलती हैं ठीक है ना तो आंसर यहाँ पे कैरेट ही है बिल्कुल या तो कैरेट मूली इस तरह की जो रेडिश है आपकी गाजर क्या है मूसला जड़ है अगर गेहूँ की बात करें तो इनको फाइबर रूट्स बोल देते हैं ओके ये तो ऊपर की तरफ ही निकलते हैं बाकी की अगर हम देखेंगे तो और ये जमीन में नीचे होंगे जो कि कैरेट है यहाँ पे जो रूट इसीलिए कह रहे हैं उसको कि जमीन के नीचे जो है सीधे जाकर के देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेम डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक ट्री के बारे में आपको सही चीजें पहचाननी है पहला ऑप्शन है क्या है पहला ऑप्शन दिस दिस इज इज ट्री ट्री फाउंड इन ऑफ कि ये ये जो है वृक्ष के रेगिस्तानों में पाया जाता है है ना या फिर दिस ट्री ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज दी हाइट ऑफ अ कॉमन क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल दैट इज अबाउट फोर मीटर्स इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय जितनी हमारी क्लासरूम की हाइट होगी उतनी होती है लानी लगभग चार मीटर इट्स रूट्स गो डीप इन टू दी ग्राउंड

तो आंसर बी सी और डी तो बी सी डी कहीं है ऑप्शन में बी सी डी अच्छा ई e भी तो है तो बी सी डी ई बी सी एन ई नहीं डी होगा नहीं इसमें डी का रीजन ये है कि ये पचास पेड़ नहीं थर्टी पेड़ होते हैं यहां पे थर्टी सच ट्रीज फिफ्टी नहीं थर्टी तो बी सी और ई e. बी सी ई e कहां है सी ऑप्शन में इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से निशा जी पोल की तैयारी कर लो आगे बढ़ते हैं <coughs> क्योंकि 50, अभी रुक जाना एक मिनट अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखो एनसीआर टी में गिवन है डेजर्ट ओक पे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं अगर हम बात कर रहे हैं ये सारी बात बिल्कुल एग्जैक्टली exactly दी हुई है अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इसको ऐसे ही टैकल करना है कि जो डेजर्ट ओक है यानी रेगिस्तानी ओक जिसको हम कह रहे हैं इज अ ट्री जो कहां मिलता है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल जो उन्होंने दिया भी हुआ था बिल्कुल एक क्लासरूम की ऊंचाई जितनी इसकी ऊंचाई होती है ठीक है ना अगर हम कोई कह रहा है रिकॉर्डेड प्रीवियस वीडियो है अरे भाई पढ़ लो पेपर है इतनी रात को मैं अपना संडे आप उसको ये कह लो कि मतलब मैं छुट्टी कर सकती थी आराम कर सकती थी वो सब इधर उधर करके मैं साढ़े नौ बजे आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और इस तरह की बातें लिखते बुरा नहीं लगता इट हैज वेरी फ्यू लीव्स या फिर ये सिर्फ कॉमेंट पढ़वाने का एक तरीका है इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स मैंने पहले दिखाया भी हुआ है डेजर्ट oak में क्या है बहुत कम पत्तियाँ होती हैं ठीक है जी ये सब काम नहीं होता प्री रिकॉर्डेड videos लाइव में चल रही हूँ रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड चलेगी है ना या आजकल हम यूट्यूब पे ये भी सुनते हैं कि टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से लाइव व्यूअर्स लाने वाली चीज़ें और ये सब इन सब से बहुत दूर हैं हम तभी इतने सालों से सस्टेन कर पा रहे हैं इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन अच्छा भाई बहुत कम लीव्स होती हैं पत्तियाँ कम होती हैं इस पर एक ये इसकी विशेषता है लेंथ कितनी अबाउट थर्टी सच ट्रीज इन्होंने फिफ्टी कर दिया था थर्टी को तो कोई भी इसमें फंस सकता था ठीक है ना इन अ लाइन एंड टू एंड वो बात सही है दैट इज हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन बी दीज रूट गो डीप इन टू द ग्राउंड ये जो रूट्स होती हैं इस ट्री की ओक की वो पानी में बहुत डीप जाती हैं और जब रेगिस्तान में लोगों को पानी की कमी पड़ती है तो ये लोग इसकी ट्री ट्रंक में पाइप लगा करके पानी निकाल लेते हैं या यूज करते हैं उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं मतलब पाइप यूज करके ट्री ट्रंक में जो पेड़ का तना है उसमें क्योंकि वो रूट्स में स्टोर्ड रहता है पानी तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक ये आपको एज इट इज मिल जाएगा अपने ये जो पी मिलेगा उसी में ठीक है चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए और जवाब दीजिए फटाफट से दे दीजिए पोल वाली दीदी से पढ़ना आ जाओ पोल वाली दीदी चलो फटाफट से आओ लव यू अच्छा धन्यवाद परी जल्दी से बताओ आपका जॉब फैन है नो अच्छा हेमंत जो यार हम सभी लर्नर्स हैं देखिएगा ए ऑप्शन 15 का कह रहे हैं लोग चलिए देखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्टेट यानी यूटी या एक स्टेट है यानी केंद्र शासित प्रदेश है या फिर एक राज्य है वो आपको चूज करना है वेयर पीपल लाइक टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल बस मिल गया हमें की पॉइंट फिश अगर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में पकी हुई मछली तो सरसों के तेल में पकी हुई मछली है तो सॉरी इस, इसका मतलब हो गया कश्मीर है ना 68 लोग दे रहे हैं अगर ये सरसों के तेल की जगह यानी ये मस्टर्ड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल हो जाता तो आंसर गोवा हो जाता है यहीं पे है ना क्योंकि कोकोनट ऑयल हम सदर्न पार्ट्स में यानी दक्षिण में यूज करते हैं देश के चाहे वो केरला हो चाहे वो गोवा हो गोवा के बारे में कहा भी गया है कि भाई वहां पर अगर फिश कुकड है किसमें आ, ये आपके एनसीआर में गिवन है कोकोनट ऑयल में तो गोवा हो जाता आंसर लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल क्योंकि वो ठंडी जगह है ना अगर गोवा की बात करें तो थोड़ी गर्म जगह है तटीय क्षेत्र है और कश्मीर की बात करें तो गर्म जगह है तो वहां मस्टर्ड ऑयल में तल के खाया जाता है कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिएगा अब आपके शुरू हो जाते हैं पैडोलॉजिकल क्वेश्चन जो हर बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपीट होते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो एनसीआरटी के दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन कभी मुश्किल दिख सकते हैं लेकिन पेटोलॉजिकल क्वेश्चन आपको एक ही लेवल के दिखते हैं तो ये पंद्रह नंबर तो और भी ज्यादा जरूरी है और ये भी आपके एनसीआरटी से निकल आते हैं अगर आपने वो क्लियरिस्ट देखी हुई है नोट्स पढ़े हुए हैं ठीक है ना जब से आपकी क्लास पढ़ती हूँ तब से किसी की क्लास पढ़ने में मन नहीं लगता है अच्छा जेबा समझ में आना चाहिए यार जहां से भी पढ़ो समझ में आए काम का हो है ना बस यही है देखिएगा धन्यवाद बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए रिकॉर्ड्स आर यूज्ड टू यानी उपाख्यात्म उपाख्यान, उप, उपाख्यान मूलक अभिलेख हमें इसको हिंदी में कह दे रहे हैं प्रयुक्त तो होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसके लिए यूज होते हैं आइडेंटिफाई चाइल्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स यानी बच्चे के दूसरे बच्चों के साथ क्या संबंध है उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है हां बिल्कुल ये बात पॉजिटिव है मेक जजमेंट्स अबाउट अ चाइल्ड देखिए जजमेंट बनाने के लिए एनेकडोटल रिकॉर्ड वगैरह का यूज नहीं किया जाता इन्फॉर्मेशन के लिए फीडबैक के लिए किया जाता है प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू अ चाइल्ड इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ये समस्यात्मक स्थितियों में बच्चों को हम सीधा समाधान प्रदान कर देंगे तो उसमें थोड़ी लिखा होता है रिकॉर्ड में कि ये समाधान है नो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ चाइल्ड हाँ आप बच्चे के बारे में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजें तो अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग घटनाओं के हिसाब से आप बता पाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है उसके पेरेंट्स से भी ये बात कर पाएंगे है ना तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं ए और डी यही हमने सही चूज करके निकाले हैं तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर है ना अगर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती हैं मान लीजिए किसी दिन बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का ऐसा भगवान ना करे हो बट कोई लड़ाई हो गई कुछ घटना घट गट गई या किसी दिन बच्चे ने बहुत ही एक अच्छा काम किया किसी को कोऑपरेट कर दिया तो ये एनेक्डोट्स होते हैं बच्चे की डे टू डे लाइफ में कोई एक विशेष अगर काम हुआ है कुछ भी अगर इस तरह का हुआ है जो रिकॉर्ड करने लायक है तो उस इंसिडेंट के बाद ये रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे पता चलेगा बच्चे की रुचि किस चीज़ में है बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है ये सारी चीज़ें ठीक है बिंदास प्रेरणा चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उससे पहले हम ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक फॉर्म जैसे एक बच्चे की डायरी में नहीं लिख के भेज देते हैं कई बार तो एनेटल रिकॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन है किसी इवेंट पे ही जनरली रिकॉर्ड किया जाता है या तो कोई खराब या कोई अच्छी घटना जो भी हुआ हो तो उसमें आप बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब भी आ जाएगा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आ जाएगा है ना आप पूरा बता पाएंगे उसके बारे में फिर तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के लिए प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है उसमें पिक्टोरियल फॉर्म में फॉर्म में या बहुत सारा डेटा होता है वो और ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है एक एक पाठ पढ़ाने से पहले आस्था एक टीचर हैं कक्षा चार की उन्होंने कुछ दो सवाल पूछे बच्चों से अब आपको बताना है कौन सा जवाब सही होगा फटाफट से बताइए हैप्पी ईयर भाई अभी तो है हमारे पास कितने दो घंटे हैं अभी थर्टी हैं और ये मच्छर मक्खिया कैसे आ पा रही हैं यहाँ पे है? तो एक्सेस दिया स्पेशल कार्ड है क्या देखिएगा क्या कहानी है बहुत बढ़िया एक बार मेरा नाम ले लीजिए चौधरी पढ़ लो भाई है ना देखो एक बार फटाफट से देखते हैं क्या कहानी है कुछ लोग न्यू ईयर बनाने में लगे होंगे और आप पढ़ने में लगे हुए हैं तो रिजल्ट तो इसका मिलना चाहिए देखिएगा एक बार अगर हम बात करें आस्था आज आस्थ हर क्लास फोर लर्नर्स यानी चौथी क्लास के बच्चे बच्चों से शॉर्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे मसाला टॉपिक पढ़ाने से पहले या मसाला चैप्टर स्टार्ट एक चैप्टर है जिसको पार्ट है जो मसालों के बारे में है वो शुरू करने से पहले आस्था का क्या इंटेंशन है ये करने के लिए पहला ऑप्शन है चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचना चाहती हैं भाई कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन हम पूछते हैं हमारे लेसन प्लानिंग में भी होता है जिन्होंने लेसन प्लान्स बनाए उनको पता है ठीक है ना जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है डीएलएड बीटीसी बी एड वगैरह आइडेंटिफाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास दो क्वेश्चन पूछ के इंटेलिजेंट बच्चों का पता लग जाएगा और ऐसा क्यों करना आइडेंटिफाई अभी तो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसा तो है नहीं जब मसालों में चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी है कि इसका पता लगाना था एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट द टॉपिक स्पाइसिस यानी विषय क्या है मसाले यानी टॉपिक है मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना कि उनको क्या पता है यानी मसालों के बारे में उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है बात तो सही लग रही है सुनने में लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक होने की क्योंकि स्पाइसेस की बात हो रही है तो हम कहेंगे हाँ ये बात भी सही है लेकिन एक बड़ा सा आंसर देखें जो अपने अंदर इसको भी समाहित कर लेगा वो है प्रीवियस नॉलेज लेकिन बोर्ड ने कहा कि भाई दोनों ही सही हैं यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स और मसालों के बारे में जानकारी प्राप्त करना दोनों ही बातें सही है ऑफिशियल आंसर की भी यही कहती है आपकी के क्योंकि ज्यादा बेहतर आंसर यही दिखने में लगता है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना जो कि सही बात भी है लेकिन एग्जैक्ट चैप्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन भी कहीं से भी कम नहीं है तो आपने दोनों में से कुछ भी लगाया है दोनों सही ही है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसा पेपर में भी होता है कई बार कि लोग अगर दो क्वेश्चन एक जैसे लगा देते हैं तो फिर आंसर की में वन और फोर इस तरह का ये मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखेगा माधवी टूक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एक फील्ड ट्रिप पे लेके गई माधवी अपनी क्लास को क्षेत्र भ्रमण मान लीजिए आपको ताजमहल दिखाने ले गए कोई और जगह पे ले गए है ना तो फील्ड ट्रिप पे ले गए आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस विद हर स्टूडेंट्स इट मे बी स्टेटेड एस ये ऐसा क्वेश्चन है जो CTAT से से के, से से ले लेके 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 प्लस प्लस बी आपका आपका में भी लेवल लेवल ले तक हर जगह पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से बस इसी को घुमा के सी डी पी में पूछा जाता है और पेडोलॉजी में ये तो ईवीएस के क्योंकि पेडोलॉजी लगभग हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करती है अभी असेसमेंट टॉपिक सेम है सबके लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाती है वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है यानी क्लासरूम को यानी क्लास को सॉरी सॉरी क्लासरूम को तो कैसे ले जाएंगी क्लास को लेके गई है माधवी कहां ट्रिप पे या फील्ड ट्रिप पे जैसे शहर में कहीं कोई जगह है कोई फैक्ट्री हो सकती है कोई डेयरी प्लांट हो सकता है तो लेकर के गई और जब वहां से आ गए तो क्लासरूम में फिर चर्चा हो रही है उस बात पे कि अच्छा तुमने वहां पे क्या देखा अच्छा वो कैसे होता है कोई काम उस फील्ड ट्रिप के बारे में फील्ड ट्रिप से आने के बाद क्लासरूम में चर्चा हो रही है ये हमें शुरुआत में लगता था कि ऑफ लर्निंग की बात हो रही होगी है ना जब मैंने भी शायद पहली बार सीटेट दिया होगा और शुरू किया होगा पढ़ाना शुरू शुरू ही शुरू शुरू की बात में ही जब सीटेट हुआ था टीचिंग ट्रेनिंग में तो उस टाइम में मुझे भी यही लगता था कि भैया ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही होगी है ना लेकिन अगर हम इसको डिटेल में समझते हैं प्रॉपर पढ़ते हैं सी सी के मैनुअल्स को और जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है के और हो सकता है प्रीवियस कोई बहुत इनिशियल आज से चार पाँच साल पुरानी वीडियो हो तो उसमें ऐसा हो भी कि मैंने कहा हो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है है ना क्योंकि समय के साथ आपका ज्ञान भी अपडेट होता है और होना ही चाहिए है ना तो अगर हम बात करें क्योंकि हमारे पास तो कोई थाने के फलाने को कॉपी करके उसको देख लें और उसने बताया होगा कुछ तो वहां से देख लेते हैं है ना अभी कई टीचर्स को भी हेल्प मिल जाती होगी चलो लेट्स इलेक्सल पर देख लेते हैं क्या जवाब दिया है सही होगा यार बताया तो एक क्रेडिबिलिटी है बिल्ड होती है तो फिर आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो बहुत सारी चीज़ें जानते हो

जब भी यहाँ पे पेन पेपर टेस्ट की जनरली बात होती है उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में डाल देते हैं क्लास टेस्ट को छोड़ करके और अगर बात हो रही है किसकी अगर बात हो रही है यहाँ पे आपके फील्ड ट्रिप की पोर्टफोलियो की कोई भी एक्टिविटी करा के अगर जांचने की कोशिश की जा रही है तो समझ जाओ असेसमेंट फॉर लर्निंग है अधिगम के लिए आकलन है फीडबैक के लिए वो चीज हो रही है चाहे वो फील्ड ट्रिप हो चाहे वो आपका कोई और एक्सपेरिमेंट हो चाहे वो आपका कोई और क्या कह देंगे हम उसको पोर्टफोलियो है चेकलिस्ट है तो ये फॉर लर्निंग के तरीके हैं जो फीडबैक के लिए काम में आएंगे है ना किसी पैमाने के तहत कि इतने परसेंट अचीव करना है या कितना परसेंट उनको आता है ये सब चेक करने के लिए किया जाता तो ऑफ भी हो सकता था ये ठीक है ना तो डिपेंड करेगा पूछा कैसे एज लर्निंग एज लर्निंग होता है जब बच्चे सेल्फ असेस कर रहे हैं या बच्चों के साथ या तो वो खुद से खुद का असेसमेंट कर रहे हैं या उनका पीयर ग्रुप एक दूसरे का असेसमेंट कर रहा है तब एज लर्निंग है वाई लर्निंग एज सच यहां कुछ बनता नहीं है चलिए तो खैर ये हुई एक बेसिक बात तो जब फील्ड ट्रिप की बात हो जब जब एक्टिविटी करा के असेसमेंट की बात हो रही है तो फॉर लर्निंग की तरफ हम जाएंगे एक सिंपल है इसका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिएगा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल टेक प्लेस ओनली इफ यानी प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब बताइए ए भी हो सकता है ए तब होगा जब किसी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट पूछा हो कि इतने परसेंट आपको कितने परसेंट नॉलेज हुई मुझे ये जानना है नॉर्मल केस में ए नहीं होगा ऑफ लर्निंग नहीं होगा फॉर लर्निंग ही होगा है ना ये ऑफ लर्निंग ही था ना ऑफ लर्निंग बनता नहीं है क्योंकि फील्ड ट्रिप से नहीं ऑफ नहीं होगा जब तक कोई पैमाना सेट ना हो कि किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है और तब जानना है कि इतने परसेंट कुछ अचीवमेंट हुई है क्योंकि वो फीडबैक के लिए नहीं जजमेंट के लिए होता है ऑफ लर्निंग जो है तो यह जजमेंट नहीं बस जानने की कोशिश हो रही है कि कैसे इंप्रूव कराया जाए अगर कुछ भी सीखा होगा तो चर्चा होगी क्लासरूम में और वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अगस्त वाले बैच से भी पढ़े हो सिलेबस सेम ही है दो महीने मुश्किल से दिए इन्होंने है ना मुंतशिर कोई दिक्कत नहीं आराम से पढ़ के आप अभी भी पेपर बढ़िया से 75 लोग जो हैं और बल्कि में भी नहीं मिला प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल के तभी संभव होगा जब यानी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव मतलब बेहतर प्रभावशाली कब अच्छी टीचिंग लर्निंग होगी जब द टीचर कंडक्ट इट टू कंप्लीट हिज और हर लेसन प्लान सिर्फ लेसन प्लान कंप्लीट करना हो सिलेबस कंप्लीट करना हो खराब तरीका टीचर सिंपल हमें क्या ढूंढना है बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बेस्ट तरीका है टीचर कंडक्ट इट इन है, स्कूल से आदेश मिला है ने कहा इसलिए कर रहे हैं? नहीं सीखने के लिए सीखना होना चाहिए। पे कुछ एक्टिव लग रहा है बच्चा हमें यानी द टीचर ट्रांजेक्ट लेसन प्लान फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपॉन पियर्स डायरेक्शन यानी शिक्षक अपने सहयोगी के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संभावित अब वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्ट लेसन प्लान फॉर एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड अपॉन पीएस डायरेक्शन क्योंकि टीचर के किसी दोस्त ने या उनके स्कूल में किसी ने उनको कहा है कि कराना है तो ये भी सही तरीका नहीं हुआ बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है सी हो जाता अगर ये नहीं होता तो द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर हेल्प चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यानी जो शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप या एक्टिविटीज होती है उनसे बच्चों का ज्ञान निर्माण करने में मदद मिलती है और उनके कॉन्सेप्ट समझने में सहायता मिलती है यानी बच्चे की भलाई में जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन सबसे ज्यादा जो एक्टिव होगा बच्चा वो डी ऑप्शन में होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है भाई ये टू असेस सोशियो पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंगेज इन लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल विल बी देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं अभी करूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कर दिया ब्रेन वॉश कुछ टीचर्स का भी इसमें पूरा पूरा हाथ है सबका नहीं ऑफकोर्स कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ये एक हल्ला मचा दिया है सबको ये दिखाने के लिए कि अब तो पेपर बदल गया है पूरी तरह से चेंज हो गया है अब तो पुराने क्वेश्चन नहीं आते अब तो ये नहीं होता अब तो हिंदी पैटागोलॉजी में वो नहीं पूछा जाता जो पहले पूछा जाता था हल्के से चेंज को पूरा घुमा करके पेश कर दिया जबकि अभी क्योंकि मैं ये देख रही थी अभी कल परसों एक कॉमेंट था कोई इस बार की हिंदी पैटोलॉजी की वीडियो पे जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो में पेपर हुआ है और क्वेश्चन समझ, तो तो समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है। पूछा वो जाएगा जो समझ में आए या मुश्किल हो जबकि मुश्किल क्वेश्चन की संख्या हमेशा कम होती है डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन तो ही डाले जाते हैं ना पेपर में तो उस केस में कुछ टीचर्स ने भी ब्रेन वॉशिंग कर दिया कि भाई आसान चीजें नहीं आएंगी जबकि सिलेबस से आज भी आ रही हैं चीजें आसान चीजें भी आ रही हैं अगर आप पेपर उठा के देखेंगे हमने प्रीवियस ईयर उठाना बंद कर दिया हमने कहते आज सर ने कहा है मैडम ने कहा है अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो पहले आते थे वो तो आएंगे ही नहीं यही क्वेश्चन इससे मुझे याद आया दो में भी पूछा जा चुका है सेप्टेम्बर में है ना यही क्वेश्चन अभी ऑनलाइन एग्जाम जो दो में हुआ था उस उसमें भी पूछा जा चुका है अगस्त से पहले वाला जो जनवरी फरवरी में भी चले थे पेपर और भी हो सकता है ये और एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका हो है ना जब तो जब टॉपिक नहीं बदले तो ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन रिपीट होना बंद हो जाएंगे दो चार क्वेश्चन नए क्या आ जाते हैं हमें लगता है कि भाई हिंदी इंग्लिश में क्या हुआ इंग्लिश की पैटोलॉजी सिंपल हुई है जो बात मैंने बताई थी कि हिंदी पेटॉगॉजी को सीधा ट्रांसलेट करके दे देते दे 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 हैं कई बार हिंदी पैटागोलॉजी में तो आपको इंग्लिश के भी टर्म्स से फेमिलियर होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी पैटोलॉजी में अब जो पुराना आता था जो टॉपिक्स है वो काम के नहीं बचे है ना तो आपको नया और जो भी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है और जो सिलेबस है क्योंकि सिलेबस नहीं बदला है उस पर स्टिक करना ही है इन बातों में ना आके प्रीवियस ईयर को देख लिया करें अपने आप पता चल जाएगा क्या कहानी है और प्रीवियस ईयर में एक सेट नहीं जिसमें मुश्किल आ गई है चीजें बस समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा यानी आपको बच्चे की सोशियो पर्सनल क्वालिटीज को चेक करना है कि वो कैसे समाज में और खुद में कैसे रहता है यानी क्लास में बाकी बच्चों के साथ कैसे रहता है तो अगर हम देखें हाँ बिल्कुल तीस जनवरी का पेपर है अगर हम देखें तो असाइनमेंट्स पेपर एंड पेंसिल टेस्ट रेटिंग स्केल्स या ओरल क्वेश्चन रेटिंग स्केल ही बेहतर माना जाता है जब ये 2016 में पूछा था तब भी 2023 में पूछा गया है, तब भी ठीक है ना अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेते हैं आपका पेपर अच्छे नंबर से भी लाने से कोई रोक नहीं सकता अगर एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ आपने ठीक है ना पेपर पेंसिल परीक्षण ये ये तो होगा ही नहीं कभी भी, भी और personal reasons को जानने के लिए कह देते हैं इसको rating scale, oral question से कुछ हद तक पता चल सकता है, लेकिन रेटिंग ज़्यादा बेहतर माना जाता है कि आप कोऑपरेट कितना करते हैं तो आप हर चीज के लिए एक रेटिंग बनाई गई है कि अच्छा दूसरों के साथ कोऑपरेशन में दूसरों के साथ झगड़े में तो ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन रेट करो बच्चे को जैसे आप पिज्जा के रेट करते हैं कि कितना मजा आया चार नंबर स्टार देंगे कि थ्री स्टार देंगे कि कि स्टार देंगे है है ना तो रेटिंग स्केल वैसा ही है कि दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में ग्रुप वर्क में लीडरशिप में कौन कितना स्कोर कर पाएगा उस हिसाब से बच्चे की सोशियो पर्सनल एबिलिटीज के बारे में पता लग पाएगा तो रेटिंग स्केल इसका ज्यादा बेहतर तरीका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखेगा एज एन ईवीएस टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल यू कंसिडर वाइल्ड प्लानिंग आ ग्रुप एक्टिविटी फॉर योर क्लास आप एक ग्रुप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं यानी बच्चे समूह में दो दो चार चार मतलब दो तो नहीं दो का तो पेयर होता है तीन चार पांच का ग्रुप बनाया हुआ है आपने और एक्टिविटी करा रहे हैं तो कौन सा तरीका एज एन ईवीएस टीचर इंपॉर्टेंट होगा अराउज इंटरेस्ट अमॉंग चिल्ड्रन हाँ बच्चों में आप रुचि पैदा कीजिए इंक्लूसिव इन नेचर प्रकृति में समावेशन होना यानी आप इंक्लूड करके चल रहे हैं सबको ये भी ठीक है कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी बहुत ज्यादा इंडिजीनियस जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी ना हो रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो कम संसाधनों में अच्छा आप निकाल करके ला पाए चीजें यह बात भी सही है कैन ओनली बी कंडक्टेड आउटडोर सिर्फ बाहर संचालित की जा सके सिर्फ आउटडोर में खुले माहौल में क्लासरूम के अंदर ना हो सके तो ये तो गड़बड़ है ए बी सी ही यहां पे बेटर है क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ ओनली ओनली वर्ड वैसे भी ओनली से सिर्फ बचना है आपको ओनली लिखा हो जहां तो समझ जाओ थोड़ा एक्सट्रीम में लेके जा रहा है तो ए बी सी सही है डी यहां गलत है वैसे भी चारों का ऑप्शन हमारे पास था नहीं होता तब भी हम नहीं कहते कि ओनली आउटडोर

वन्य जीवन को बचाना है इस चीज के कंजर्वेशन मतलब इस तरीके को सिखाने में ये देखो एक तो ये मक्खी ने ना आज सर में दर्द कर दिया आई कहा से मुझे ये ये जानना है राहुल लेके आया क्या जेब में रख के हो सकता है ईस्ट और बेस्ट पोल वाली दीदी बेस्ट बहुत बढ़िया पोल वाली दीदी देखिए आ जाइए फटाफट से फिर समझते हैं तो ए ऑप्शन फोर्टी सेवन परसेंट लोग कह रहे हैं लीस्ट इफेक्टिव कैसे कह रहे हो भाई लीस्ट लीस्ट लिखा हो लीस्ट मतलब सबसे कम न्यूनतम प्रभाव मैं बहुत बार कहती हूं पेपर में लीस्ट लिखा हो एक्सेप्ट लिखा हो नॉट लिखा हो आंसर तुरंत बदल जाएगा ये नॉर्मल आंसर नहीं होगा फिर इसका मतलब गलत पूछा है जो गलत होगा वही सही होगा सिंपल बात सबसे कमजोर कौन सा ऑप्शन है कि आप बच्चों को वन्य जीवन के बारे में अवेयर करा पाए उसके विषय में तो आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है कि सबसे खराब न्यूनतम प्रभाव किस चीज का होगा एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू प्लांट ट्री हाँ और उसका ध्यान रखें तो बच्चे सेंसिटिव हो जाएंगे क्योंकि वो एक ट्री को बच्चे की तरह पाल रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का रोल प्ले ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन रोल प्ले एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पेड़ बन रहा है कोई कोई काटने आ रहा है तो वो पेड़ भी रो रहा है उसको भी दुख हो रहा है है ना वो जो आ, कौन सी कहानी है जो बिश्नोईज वाली कहानी है हम ईवीएस में पढ़ते हैं जो उसको तो वो पूरी अपने आप में स्टोरी है जो सेंसिटिव करती है हमें टेलिंग द स्टोरी ऑफ चिपको मूवमेंट हाँ चिपको मूवमेंट वाली ही स्टोरी है वो एंड आस्किंग क्वेश्चन ये भी अपने आप में सेंसिटिव बनाएगी हमारे इमोशंस को कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है या लोगों ने कितने पेड़ों को बचाने के लिए जान तक दी है डी ऑप्शन है बचता ही एक ऑप्शन है विजिटिंग मिल टू शो स्टोरेज ऑफ लॉक्स ऑफ वुड ये क्वेश्चन ये वाला जो ऑप्शन है ये बाकी क्वेश्चंस में भी दे चुके हैं ये दो चार बार कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल में एक मिल की सैर पे ले जाना जहां काट करके उनको एक स्टोरेज बना करके रखते हैं लॉक्स ऑफ वुड की एक मिल में या एक ऐसी जगह पे जहां पे फैक्ट्री में आप गए जहां पे उन पेड़ों को काट काट के कुछ पिलर जैसे उन्होंने बना के और रखे हुए हैं स्टोरेज में तो यहां पे तो कौन सा संरक्षण है वहां तो बर्बादी है काट करके रखे हुए हैं पेड़ तो वो सेंसिटिव थोड़ी बनेंगे डी ऑप्शन दी राइट आंसर ठीक है हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमें एनवायरमेंट बचाने तो एनवायरमेंट बचाने या हम आ, ये कह रहे हैं कि आप मांस मत खाइए तो हम उसके लिए कटा हुआ मांस दिखाएंगे नहीं सही तरीका क्या होगा हम सेंसिटाइज करें कि भाई जो इमोशंस होते हैं जानवरों में भी एन ठीक है ना तो ये वैसा सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिएगा

तो ये ऐसा तरीका एकदम खराब तरीका है चाहे वो पेरेंटिंग स्टाइल हो टीचिंग स्टाइल हो एक बार को जो आपका दूसरा होता है इसमें वो पेरेंटिंग स्टाइल में होता है टीचिंग में नहीं कहते उसको अभी मैं रिकॉल नहीं करवा रही परमिसिव स्टाइल तो और खराब है कि जो ऐसा बच्चे कह रहे हैं वैसा ही चला जा रहा है बस क्लासरूम में टीचर का कोई रोल नहीं बचा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाना ये बात सही है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच भी सही है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है किसी एक चीज को सिखाने के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी है ना जैसे अगर हम ये कहें कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो जो आपके बर्ड्स हैं उनका ध्यान रख सकें तो आप उसके लिए वो ध्यान रखने में कई सारी स्किल्स सीखेंगे कि कैसे हम घर में जाल ना लगाएं कि वो फंस जाए या फिर ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है या फिर वो जो बर्ड क्या बोलते हैं उसको जिसमें जो बर्ड्स हैं वो पानी वानी पीने आते हैं घर के बाहर रख देते हैं कई लोग नहीं कुछ और बोलते हैं उसको मतलब अंग्रेजी में और वो तो वैसी भाषा हो गई ना ये लोकल लैंग्वेज हो गई हमारी तुम्हारे क्षेत्रीय भाषा हो गई वो तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर हम देखें तो उसको आई थिंक कुछ तो बोलते हैं यार आप ही बता दो मेरे को याद नहीं आ पा रहा अभी जो भी बोलते होंगे मैंने आगे फोटो लगाया हुआ है आपको दिखा दूंगी तो यहां पे सिंपल बात है कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब एक प्रोसेस को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्ड के आगे कोई वर्ड है यार वो बोलते हैं उसको अगर हम बात करें प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में आपको स्किल्स सीखनी होती है यानी स्किल्स प्रोसेस सीखनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो ये सही है बच्चे एक्टिव हैं यहाँ सी और डी में तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर उसको यार कुछ तो बोलते हैं बर्ड वाटर कुछ समथिंग कुछ तो बोलते हैं वो पता नहीं मैंने लगाया हुआ है लास्ट में लगाया हुआ शायद देखो एक बार तो हाँ बाउल बोल सकते हो एक तरह का है ना चलो खैर आगे बढ़ते हैं नहीं गमला नहीं बोलेंगे दिल पे ही ले गए आप लोग तो बर्ड फीडर कह सकते हो और भी उसका एक और नाम होता है वैल्यूज क्या होती है भाई, हम, नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे ये हमारी क्या है? कुछ वैल्यूज हैं किसी को धोखा नहीं देंगे क्या वैल्यूज है वैल्यूज है, कहां, कहां, कहां से जुड़ी हुई है पहली बात तो ये इमोशन से जुड़ी हुई होती है कि आपने क्या आपने इमोशनली डिसाइड किया हुआ किसी चीज को हम दहेज नहीं लेंगे वैल्यू हो सकती है ठीक है अफेक्टिव यानी भावात्मक डोमेन में जाएगी ना सीधी सीधी कैप याद है कॉग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर कॉग्नेटिव का मतलब है संज्ञानात्मक जो दिमाग से संबंधित हो जैसे थिंकिंग रीजनिंग वो सब अगर थिंकिंग लिखा होता तो कॉग्नेटिव हो जाता कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट का बनना संप्रतियों का निर्माण तो संज्ञान में हो जाता याद रखना संज्ञान में हो जाता अगर कोई एक्टिविटी करा रहे होते तो मनोगतिक यानी साइकोमोटर हो जाता कोई फिजिकल एक्टिविटी होती तो लेकिन ये इमोशन से जुड़ी हुई बात है तो ये अफेक्टिव डोमेन में जाएगी ब्लूम टेक्सनो याद कर लीजिए अफेक्टिव एंड कॉग्नेटिव दोनों में नहीं जाएगी आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूइंग जो है या वैल्यूज जो है वो आपकी आती है है ना दोनों में नहीं जाएगा भाई ये ए ऑप्शन कहने को कोई चाहे तो कह सकता है बट वैल्यूज जो है वो अफेक्टिव डोमेन का पार्ट ज्यादा है ऑफिशियली भी यही मानते हैं चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे वो इन्होंने माना नहीं है कॉग्नेटिव से जुड़ा हुआ हो सकता है लेकिन 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 यहाँ पर जो आंसर भी माना है वो इफेक्टिव ही माना है और वो वैल्यूज अगर आप डोमेन के हिसाब से जाएंगे ब्लूम स्टेक्सनॉमी के तो उस हिसाब से जाएंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होता है तो शायद दोनों में काउंट कर लेते हैं हम नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए द नेचर ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट एस एस ईवीएस की प्रकृति सबसे बेहतर तरीके से कहां समझी जा सकती है इट इंटीग्रेट सेवरल डिसिप्लिन भाई इसमें आपका सोशल स्टडीज भी है इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज भी है और तीसरा क्या है आपका साइंसिस भी है ईवीएस में तीन सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं आपके प्राइमरी लेवल पे विज्ञान यानी साइंस भी है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन भी है और तीसरा सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन तो ये तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं सही है इंटीग्रेट कर लेता चाइल्ड सेंटर्ड है सही है एक्सपीरियंशियल है यानी अनुभव जन्य है अनुभव करके बच्चे सीखेंगे टीचिंग बेस्ड है ये गलत है बच्चे पे आधारित है चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे ए बी सी इज द राइट आंसर तो ए ऑप्शन सही हो गया यहां बाकी गलत हो जाएंगे पांच सवाल और हैं फटाफट से करते हैं और समझते हैं कहानी इधर लेकर के जाती है हमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिएगा एक बार ये क्या कहता है भाई फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो चूज एटलीस्ट थ्री वर्ड्स और ऑप्शन विच डेस्क्राइब एनवायरमेंट आपको तीन वर्ड्स चुनने हैं जो पर्यावरण को डिस्क्राइब करें पर्यावरण के बारे में कौन से सही है फ्लोरा एंड फोना हाँ हम कहते हैं वनस्पति और जात प्राणी जीवन बायोटिक एंड एबायोटिक जैविक और अजैविक भी पर्यावरण से संबंधित है सोशल एंड कल्चरल सोशल एंड कल्चरल भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई समाज समाज और संस्कृति में पर्यावरण का कुछ हिस्सा आता ही होगा ठीक है ना लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो क्रिएटिव एंड क्यूरियस है वो बच्चे के बारे में एन्वायरमेंट के बारे में नहीं है बच्चे के बारे में है क्रिएटिव और क्यूरियस ना कि एन्वायरमेंट के बारे में ठीक है ना वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम ए और बी को चुन लें सोशल एंड कल्चर को तो इंक्लूड किया जा सकता है एनवायरमेंट के केस में तो एसी यानी बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर लेकिन क्रिएटिव एंड क्यूरियस तो बच्चा होगा एनवायरमेंट को थोड़ी क्रिएटिव और क्यूरियस कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए और जवाब दीजिए फटाफट से देखिएगा फटाफट से हां तो कोई तो हिंदी पेड़ाबाजी वाली वीडियो पे ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन आप थोड़ी आते हैं ये क्या पढ़ा रहे हो आप जबकि इसी साल वो पूछे हुए क्वेश्चन से तो हमें लगता है जो हमें समझ में आ रहा है वो तो नहीं आएगा पेपर में अच्छा आपकी क्लास में बहुत दिक्कत होती है अभी भी एक जी नेट है फिर भी यार पता नहीं ये ऐसा क्यों है ये पिछली बार से ही होने लगा है यहाँ तो कोई दिक्कत होती नहीं देखो अभी मैं आपके सामने क्लास चलाऊँगी और कोई दिक्कत नहीं होगी ये सिस्टम भी चेंज करा लिया सब चेंज हो गया अब ये तो क्या कहूँ इसको लो वाई फाई ऑफ़ कर लिया और अब मैं देख लेती हूँ एक बार यूट्यूब पर क्लास ऑन करके अपने ही इंटरनेट से ये तो कुछ भी नहीं चल रहा अभी रुको हाँ चल गया एक मिनट रुको ये देखो परफेक्ट चल रही है यार क्लास कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है परफेक्ट चल रही है कोई समस्या कोई दिक्कत कुछ नहीं है के की वैकेंसी एवरी ईयर आती है क्या मैम और आपका कोई बैच है पीआरटी के लिए अवेलेबल के का निकालेंगे सी के बाद या डीड प्लस बी भी डी प्लस बी का जनरल पेपर निकला हुआ है और के वी की वैकेंसी हर साल नहीं आती पहले आया करती थी एक दो साल दो साल के आसपास लगा देते हैं लोग कभी कभी नॉर्थ ईस्ट की आ जाती है इन बिटवीन ऐसा क्वेश्चन लगता है बताइए जो आता है हो सकता है अगले साल निकाल दें सच में मैम ऐसा क्यों लगता है कि बताइए कि जो आता है वही लगता है एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा डर है है ना जबकि हमें पता जो चीज़ हम है जो चीज हम सिलेबस से पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में पचास बार पूछी जा चुकी है वो क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट अगर वो नहीं आया तो सिलेबस तो वही रहेगा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो देखो एक बार इन एन ईवीएस टीचिंग लर्निंग क्योंकि हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट समझने की बजाय बस क्वेश्चन रटने पर होता है कई बार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लिंकिंग क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आउटसाइड क्लासरूम बेस्ट इंप्लाइज यानी ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर यानी yani हम रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं जो एनसीएफ भी कहता है बच्चे के अनुभवों से जोड़ना क्या कहलाएगा गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ करिकुलम नहीं करिकुलम में तो यह है कि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ कह रहा है कि आप टेक्स्ट बुक से छोड़ करके आगे ले जाकर के आप रियल लाइफ से जोड़िए है ना बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग कराइए गोइंग बियॉन्ड द स्पेसिफिक ग्रेड ऐसा थोड़ी क्लासरूम के आगे की बात पढ़ा देंगे हम सातवीं क्लास के बच्चों को ग्यारहवीं का पढ़ा रहे हैं एक्टिविटी करा के गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बात पक्की है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है उतना ही नहीं लेवल ऑफ लर्नर नहीं भाई बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हैं यानी टेक्स्ट बुक के बाहर जा रहे हैं है ना ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ करिकुलम से ही बाहर चले गए ऐसा नहीं है वो करिकुलम में आती है एक्टिविटीज भी और सिलेबस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा हुआ ही करिकुलम का पार्ट है सिलेबस ही कि टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रहे तो करिकुलम में नहीं होगा ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर देखिए सर्वे एंड राइट हैज बीन इंक्लूडेड इन सम चैप्टर्स ऑफ ईवीएस ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड इट एम्स एट कक्षा की है की पुस्तकों में कुछ पाठों में लिखा गया सर्वे और लिखो यानी पता करो अपने आसपास से और लिखो इसके बारे में अब वो कोई भी चीज हो सकती है गिविंग ऑपरचुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न हाँ बच्चे अवसर मिल रहे हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे अपनी दादी नानी से पूछेंगे उस समय पर कौन सी करेंसी चलती थी तो लिखेंगे कि मैंने अपनी दादी से पता किया कि उस टाइम पे ये सिक्के चलते थे अब ये पैसे चलने बंद हो गए हैं पहले रुप, अब रूपीज ही चलते हैं पहले पैसे भी चलते थे तो ये सारे अवसर मिल रहे हैं बच्चों को एक्सप्लोर करने के और सीखने के एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स हाँ ये भी सही है लेकिन एक्सपीरियंस देने का तो और भी तरीका हो सकता है सिर्फ सर्वे एंड राइट क्यों इंप्रूविंग प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स हाँ ये बात भी सही है इंप्रूविंग जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स यानी बच्चों की आ, सामान्य जागरूकता को बेहतर करना यानी जनरल अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं आप तो इसमें किसने कह दिया कि ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस की ही बात होगी यहाँ पे फटाफट से बताओ क्या जवाब होगा जनरल अवेयरनेस के और भी तो तरीके हैं किताब से पढ़ा देते हैं हम तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि ऐसा नहीं प्रैक्टिकल स्किल्स भाई एक्सप्लोर करके लिखने में सिर्फ जरूरी थोड़ी सिर्फ प्रैक्टिकल ही होगा तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास यही है कि एक्सप्लोर एंड लर्न अब आप इसमें प्रैक्टिकल स्किल अपने आप सीख जाओगे जहां जरूरत होगी ठीक है ना एक्सप्लोरेशन में प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए सेकंड लास्ट है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ ईवीएस ईवीएस पढ़ाने का बेहतर तरीका लेक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा एक्टिविटी पर ध्यान देंगे हम वैसे भी कक्षा एक से पांच तक की बात हो रही है तो लेक्चर मैथड इससे ऊपर वालों के लिए बेहतर होता है प्रैक्टिकल वे हाँ सही है रोल प्ले बिल्कुल सही है डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ा कम सही है क्योंकि ये टीचर सेंटर ज्यादा होता है कि हम किस चीज़ को दिखा रहे हैं लेकिन हाँ बिल्कुल लेक्चर से थोड़ा बेटर है तो कोई एक सही होगा तो अगर कोई एक ही सुनना है तो हम कह देंगे भाई प्रैक्टिकल तरीका बेहतर है या रोल प्ले भी हमें तो उतना ही बेहतर लग रहा है रोल प्ले करा दो आप लगभग सारी एक्टिविटीज में रोल प्ले हो जाता है लेकिन हाँ अगर एक चुनना होता तो हम प्रैक्टिकल चुन लेते हैं यहाँ पे जबकि आपका ये ऑफिशियल आंसर की मैं इन्होंने कहा हुआ है भाई प्रैक्टिकल और रोल प्ले दोनों में से जो भी चूज किया है दोनों सही है है ना तो कई बार ऐसा नहीं है कि अगर सही है कोई ऑप्शन तो सही की तरफ चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीअ देखिएगा आज के लिए आखिरी है द अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ई दैट यूजेज डिफरेंट स्किल्स टू लर्न न्यू थिंग्स यानी नए विषय या नए टॉपिक्स या नई चीजें सीखने के लिए शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में हम कहते हैं विभिन्न कौशल मल्टीपल स्किल्स सीखो आप उसको क्या कहते हैं मल्टीपल स्किल्स सीखनी आपको कोई काम करने के लिए अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आया भी था है ना कि आपको कोई एक चीज सीखनी है उसके लिए मल्टीपल स्किल्स सीखनी होंगी ऐसा होता है प्रोसेस अप्रोच में डी ऑप्शन कह रहे हैं नहीं एक्टिविटी अप्रोच होती है कोई काम आप एक्टिविटी करके सीख रहे हैं यानी पढ़ने की बजाय आपने किसी टॉपिक पे एक्टिविटी कर ली वो एक्टिविटी अप्रोच है लेकिन मल्टीपल स्किल्स आप सीख रहे हैं तो वो आपका प्रोसेस अप्रोच में चला जाता है इसको अगर टू द पॉइंट अगर प्रोसेस अप्रोच नहीं होता एक बार को हम एक्टिविटी के साथ चले जाते हैं इंटीग्रटेड में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आप जोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट अप्रोच अप्रोच में कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो प्रक्रिया उपागम इसको हम कहते हैं प्रोसेस अप्रोच और प्रोसेस स्किल्स भी हैं ईवीएस में जो जरूरी है कि जैसे कि ऑब्जर्विंग यानी आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को आपने कहा कि दो या तीन वस्तुओं का या अपने दोस्तों का वजन तोल करके लिखो तो वो किस में आ जाएगा मेजरिंग में है ना मेजरिंग में आपने बच्चों को कहा देख के बताओ किसकी हाइट ज्यादा है तो वो ऑब्जर्विंग में आ जाएगा मेजरिंग प्रिडिक्टिंग अनुमान लगा रहे हैं आप है ना ये सब क्या है प्रोसेस स्किल्स हैं जो ईवीएस में या साइंस में यूज होती हैं प्रिडिक्टिंग यानी अनुमान लगा रहे हैं इन इन कुछ तो बोलते हैं यार आज तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम इन्फर करना इसको हम इन्फरिंग बोलते हैं आई थिंक मतलब आप एक अनुमान निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि मान लीजिए इसका आपको एक पेन का वेट करने को कहा जाए कितना होगा तो आप कह रहे हैं दस ग्राम के आसपास होगा तो ये इन्फर कर रहे हैं या आपको कोई कहानी सुनाई गई तो उससे आप कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो वो कंक्लूजन क्या है इन्फरिंग में आ जाएगा और भी क्लासिफाइंग आप कैटेगरी में विभाजित कर पा रहे हैं तो ये प्रोसेस स्किल्स हैं ईवीएस की या साइंस की जिनमें थिंकिंग अप्लाई होती है और आप मल्टीपल स्किल्स सीखते भी हैं तो ये एक बेसिक सी बात हुई ये था वो कि जब हम पता नहीं कैसे मेरा जब मैंने ये निकाला भी तो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में था कि कि ये जो है आपका इसको बर्ड कुछ तो कहते कहते हैं हैं यार भगवान जाने क्या कहते अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई मुझे बट आप लोग बता देना आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने आपने ठीक है ठीक किए वो आप बताना आउट ऑफ थर्टी और ये कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं और कुछ सेशंस उससे पहले हो जाएंगे एक दो सेशन और यूस के तो और क्लैरिटी आएगी जो प्रैक्टिस कराए जाने एटलीस्ट प्रैक्टिस सेशन सारे देखो क्योंकि क्वेश्चन को करने का तरीका अप्रोच हम जान पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है ना तो मान लीजिए पानी रख रहे हैं आप बर्ड्स के लिए तो इसको आपने एक देसी तरीके से बनाया या बिल्कुल लोकल रिसोर्सेज से बनाया तो इसको इंडिजीनियस वे कहते हैं सी में भी पूछ लेते हैं इंडिजीनियस मटीरियल का इस्तेमाल करेंगे आप टीचिंग लर्निंग मटीरियल बनाएंगे है ना तो वो हेल्पफुल होता है एक तो रिसोर्स बचते हैं आपके कॉस्ट कटिंग होती है और दूसरा बच्चों को वेस्ट मटेरियल से चीजें यूज करके बनाना आ पाता है ठीक है हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप ईश्वर करें आप बहुत मेहनत करें और जो आप डिजर्व करते हो वो सा, इस साल आपको ज़रूर मिले जिस जो कि ज़्यादातर लोग जो है समय पे कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग होंगे स्कूल्स में या डिफरेंट रीजन के लिए सी की तैयारी कर रहे होंगे बट आप में से ज़्यादातर लर्नर्स का यही होगा कि एक सरकारी नौकरी हम ले लें तो इस साल वो आप अचीव करें पूरी मेहनत से जहाँ भी मौका मिले जो भी वैकेंसी दिखे चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो डी प्लस बी की हो एन की हो कहीं भी हो वो आपको आप वो अचीव कर पाएं उतनी मेहनत सीटेट करके रुक नहीं जाना है लगे रहना तैयारी में ठीक है ना चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कोई और आप सभी को कल मिलते हैं। नोट से बिल्कुल काम हो जाएगा फ्री नोट आपको हुए है। टेलीग्राम पे भी कमेंट में और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पांचों सब्जेक्ट के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे आप सिर्फ वो भी मल्टीपल टाइम आठ दस बार पढ़ लेंगे काम बन जाएगा बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं टाइम पास नोट्स नहीं है कि आप एक जीवन लगा हैं किताब से भी मोटे हैं ऐसा नहीं है नोट्स मतलब संक्षिप्त होने चाहिए शॉर्ट में होने चाहिए नोट्स उसी को कहते हैं है ना चलिए टुमारो इज माई बर्थडे प्लीज वेमी भाई हैप्पी बर्थडे जैसमिन और हैप्पी न्यू ईयर भी अब दो ही दो ही घंटे रह गए नया साल आने में है ना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ इसके अलावा अगर हम बात करें लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा कमेंट्स में बता दीजिएगा अपने विचार बाकी बी और ओन कांस्टेंट ये 2018 के न्यू ईयर पे मैंने लिखी थी लाइन और अब जो है कितने साल हो गए 2018 से आप गणित लगा लीजिएगा छह साल हो गए हैं है ना तो बी और ओन कॉन्स्टेंट का मतलब है अपने साथ बने रहिए ज़माना आपके साथ होना हो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हो ना कर रहे हो समय अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो अपने साथ हमेशा रहिए एक व्यक्ति जिसको आपके साथ हमेशा होना चाहिए वो आप खुद हैं है ना अपने आप की पीठ खुद थपथपा लीजिए ज़रूरत पड़े तो है ना और मेहनत करिए खुद पर विश्वास रखिए चाहे लोग जमाना इवन इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटीज या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस एक केसे में एक्सट्रीम केसेस में अगर हम देखें तो परिवार दोस्त यार दुनिया आपके साथ होना हो आपका अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना चलिए बाकी सब अपने आ जाते हैं साथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जो लोग मुश्किल समय से गुजर रहे हैं उनके लिए ये है और ठीक है अब तो एग्ज़ाम तो देने जाओ अंजलि अगर गलती से भर गया तब तो भी देने जाओ ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही हैप्पी न्यू ईयर निशा की तरफ से भी और धन्यवाद आप सभी का मिलेंगे कल ऑफ रहेगा जहाँ तक है और अगर नहीं रहा तो आपको बधाई देंगे फिर तो दस बजे नौ बजे सॉरी है ना मिलेंगे ही